हेलो स्टूडेंट्स, बीए पार्ट वन सोशियोलॉजी। टुडे आवर टॉपिक इज सोशल मोबिलिटी, सामाजिक गतिशीलता। आज हम पढ़ाएंगे आपको सामाजिक गतिशीलता, व्हाट इज सोशल मोबिलिटी। ओके स्टूडेंट्स, सामाजिक गतिशीलता क्या होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो अबाउट द मीनिंग ऑफ सोशल मोबिलिटी। ओके, सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा तथा इससे संबंधित विभिन्न पक्षों को समझने के साथ सामाजिक गतिशीलता की अवधारणा को हम पहले समझेंगे। ओके, वास्तव में सामाजिक परिवर्तन क्या है तथा सामाजिक गतिशीलता क्या है, इसकी अवधारणा एक दूसरे से लगभग मिलती जुलती है, बहुत ज़्यादा कोई खास अंतर नहीं है। अक्सर एक स्थान से दूसरी का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है, एक स्थान पर दूसरी का प्रयोग कर लिया जाता है। आरंभ में यह ध्यान रखना जरूरी है कि सामाजिक गतिशीलता सामाजिक परिवर्तन का ही एक विशेष रूप होता है। ओके, इस दृष्टिकोण से सामाजिक गतिशीलता की तुलना में सामाजिक परिवर्तन का क्षेत्र कहीं अधिक व्यापक है। अनेक विद्वानों का विचार है कि सामाजिक गतिशीलता का मुख्य संबंध वर्तमान औद्योगिक समाजों से है। ओके, इन समाजों में एक ऐसी संरचना का विकास हुआ है जिसमें विभिन्न व्यक्ति न केवल परिवर्तन करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं, बल्कि सामाजिक और व्यावसायिक स्थिति में भी परिवर्तन के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, चाहे वो सोशल से रिलेटेड हो या फिर प्रोफेशन से रिलेटेड हो। मतलब जो भी इनकी स्थिति होती है उसमें कोई ना कोई चेंजेस करने के लिए हमेशा ही क्रियाशील रहते हैं, एक्टिव रहते हैं। ओके, इन शॉर्टली हम ये कह सकते हैं कि पहली स्थिति को सामाजिक गतिशीलता, जिसे हम बोलेंगे स्पैटिकल मोबिलिटी, तथा दूसरी को सामाजिक गतिशीलता सोशल मोबिलिटी बोलेंगे। ओके, सामाजिक गतिशीलता की प्रकृति को सबसे पहले सोरोकिन ने बताया था। इन्होंने सोरोकिन ने अपनी बुक में, जो एक सोरोकिन समाजशास्त्री हैं, इन्होंने अपनी बुक सोशल एंड कल्चरल मोबिलिटी में यह डिक्लेयर किया था कि इसके पश्चात जो और विद्वान है उन्होंने भी सामाजिक गतिशीलता के विभिन्न पक्षों की विवेचना में भी काफी कंट्रीब्यूशन किया, जिसमें कौन कौन से आते हैं, रॉबर्ट है, मार्टन है, डी वी ग्लास हैं, जे हॉल हैं और जॉन्स आदि हैं। इनके नाम प्रमुख हैं। सामाजिक गतिशीलता की अवधारणा को सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में ही समझा जा सकता है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, सामाजिक परिवर्तन का तात्पर्य उन परिवर्तनों से है जो सामाजिक संबंधों, सामाजिक संरचना, सामाजिक संस्थाओं और मूल्य में उत्पन्न होते हैं। ओके, इसके विपरीत सामाजिक गतिशीलता को परिभाषित करते हुए सोरोकिन ने लिखा है, क्या लिखा है कि सामाजिक गतिशीलता का अर्थ एक सामाजिक स्थिति से दूसरी सामाजिक स्थिति में किसी व्यक्ति, सामाजिक तथ्य अथवा सामाजिक मूल्य का संक्रमण होना है। ओके, ओके, अकॉर्डिंग टू सोरोकिन, व्हाई सोशल मोबिलिटी इज अंडरस्टूड एनी ट्रांजिशन ऑफ एन इंडिविजुअल और सोशल ऑब्जेक्ट और वैल्यू फ्रॉम वन सोशल पोजिशन टू अनदर, अकॉर्डिंग टू सोरोकिन। सोरोकिन ने क्या कहा है कि सामाजिक गतिशीलता का अर्थ क्या होता है, एक सामाजिक स्थिति से दूसरी सामाजिक स्थिति में किसी व्यक्ति, सामाजिक तथ्य अथवा सामाजिक मूल्य का संक्रमण होना है। ओके, इस कथन से क्या स्पष्ट होता है कि सामाजिक गतिशीलता का संबंध मुख्य रूप से दो दशाओं में होने वाले परिवर्तन से है। विभिन्न व्यक्तियों अथवा समूहों की सामाजिक स्थिति में जो भी चेंजेस होते हैं, इन सबका संबंध किससे होता है, सामाजिक गतिशीलता से। ओके, नंबर सेकेंड पॉइंट क्या है इसमें कि विभिन्न दशाओं के प्रभाव से सामाजिक मूल्यों में इस तरह परिवर्तन हो जाना जिससे व्यक्तियों की परिस्थिति में भी परिवर्तन होने लगे। उदाहरण के लिए भारत में निम्न जातियों, स्त्रियों तथा श्रमिकों की सामाजिक और आर्थिक परिस्थिति में होने वाला जो सुधार होता है वो पहली दशा को स्पष्ट करता है। दूसरी दशा को अगर हम देखें, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के संदर्भ में अगर हम इसको समझें,
तो औद्योगिक विकास के संदर्भ में अगर हम समझेंगे तो इसे स्पष्ट करते हुए डेनिस चेपमैन ने लिखा है, इन्होंने क्या बताया है कि औद्योगिकरण का विकास होने के साथ समाज में एक ऐसा नया संस्करण विकसित हुआ है जिसमें संपत्ति, शिक्षा, व्यक्तिगत योग्यता तथा आर्थिक शक्ति के आधार पर व्यक्ति को समाज में नई परिस्थिति तथा सम्मान प्राप्त होने लगा। इसके फलस्वरूप परंपरागत रूप से जिन लोगों को सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में अधिक शक्तियां मिली हुई थी उनमें बहुत कमी हो गई तथा यह शक्तियां उन लोगों को प्राप्त होने लगी जो कुछ समय पहले तक सामाजिक और आर्थिक अधिकारों से वंचित थे। ओके, अकॉर्डिंग टू हॉर्टन के अनुसार, अगर हंट के अनुसार हम जानेंगे सोशल मोबिलिटी का अर्थ, तो सोरोकिन के विचारों का समर्थन करते हुए लिखा है हंट ने भी कि सामाजिक गतिशीलता का अर्थ, द मीनिंग ऑफ द सोशल मोबिलिटी, व्यक्तियों का पहले की तुलना में उच्च या निम्न सामाजिक परिस्थितियों में गमन करना है। ओके, सामाजिक गतिशीलता का अर्थ क्या होता है? व्यक्तियों का पहले की तुलना में उच्च या निम्न सामाजिक परिस्थितियों में गमन करना है। इससे स्पष्ट होता है सामाजिक गतिशीलता वह दशा है जिसमें विभिन्न व्यक्ति या समूह की परिस्थिति पहले की तुलना में उच्च या निम्न हो जाती है। ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन है इसमें फीचर की। फीचर ने क्या कहा है कि सामाजिक गतिशीलता किसी व्यक्ति, समूह या श्रेणी द्वारा एक सामाजिक पद या परिस्थिति समूह से दूसरे में प्रवेश करना है। ओके, एंड द नेक्स्ट डेफिनेशन है प्रोफेसर पीटर। प्रोफेसर पीटर टेल्स अबाउट द सोशल मोबिलिटी कि एक समाज के अंतर्गत विभिन्न व्यक्तियों या समूह के जीवन में होने वाली परिस्थिति, व्यवसाय तथा निवास स्थान संबंधी परिवर्तन को ही हम सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। ओके, उपर्युक्त परिभाषाओं से सामाजिक गतिशीलता की चार विशेषताएं भी हैं। देयर आर फोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल मोबिलिटी। ओके, नाउ वी एक्सप्लेन द फोर कैरेक्टरिस्टिक्स रिलेटेड टू सोशल मोबिलिटी। नंबर वन, सामाजिक गतिशीलता वह दशा है जिसमें कुछ व्यक्तियों या समूहों की परिस्थिति में परिवर्तन हो जाता है। ओके, सेकंड पॉइंट है हमारा इसमें, परिस्थिति में होने वाला यह परिवर्तन एक विशेष सामाजिक संरचना के अंतर्गत ही होता है। एंड नंबर थर्ड पॉइंट है, सामाजिक गतिशीलता की कोई निश्चित दिशा तो होती नहीं है, यह ऊपर या नीचे की ओर होने के साथ साथ कभी कभी समांतर प्रकृति की भी हो सकती है। जैसे कि एक श्रमिक द्वारा चुनाव जीतकर मंत्री बन जाना ऊपर की ओर होने वाला परिवर्तन है। मान लीजिए कोई श्रमिक है, कोई लोअर प्रोफाइल का है, अब उसने चुनाव जीत लिए, ठीक है, जीतने के बाद क्या कौन हो गया, वो एक मिनिस्टर बन गया, तो उसका जो हाय मतलब लोअर से किया अपर हो गया, वो हायर से, वो लोअर से वो एकदम से हायर कंडीशन पर पहुंच गया, ऊपर पहुंच गया, तो ये क्या है, उसकी लाइफ में क्या हुआ है, एक चेंजेस हुआ है, एक परिवर्तन हुआ है। जबकि किसी उद्योगपति या नेता की आर्थिक या राजनीतिक शक्ति समाप्त हो जाने के कारण उसका जीवन सामान्य नागरिक के रूप में बदल जाना नीचे की ओर होने वाले परिवर्तन को ही स्पष्ट करता है। समांतर परिवर्तन वह है जब किसी व्यक्ति के द्वारा एक व्यवसाय को छोड़कर, मान लीजिए एक जनरल पर्सन है तो वो क्या करता है, एक प्रोफेशन को छोड़कर दूसरा प्रोफेशन अपना लेता है, ठीक है, जिससे क्या होता है उसकी जो सामाजिक और आर्थिक परिस्थिति होती है उसमें कोई परिवर्तन ही नहीं होता है, जो उसकी सोशल और जो इकोनॉमिक कंडीशन होती है उसमें कोई भी चेंजेस हमें देखने के लिए नहीं मिलता है, क्योंकि वो क्या करता है, एक प्रोफेशन को छोड़ता है और दूसरा प्रोफेशन अपना लेता है। ओके, एंड नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है इसमें, एक बंद सामाजिक संरचना वाले समाजों की तुलना में खुली सामाजिक संरचना वाले समाजों में
सामाजिक गतिशीलता अधिक पाई जाती है। ओके, सो देयर आर फोर कैरेक्टरिस्टिक्स रिलेटेड टू सोशल मोबिलिटी। ओके, अब यदि हम भारत का उदाहरण लें तो उससे यह स्पष्ट होता है कि यहाँ लोकतंत्र की स्थापना के बाद जब निम्न जातियों की निर्योग्यताओं को जब समाप्त कर दिया गया, उनको खत्म कर दिया गया था, तो उनके डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी उन्हें अपॉर्चुनिटी दी गई थी, काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी दी गई थी, बहुत सारे अवसर दिए थे, उनकी परंपरागत परिस्थिति में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ था। ओके, जो उनकी परंपरागत परिस्थिति थी उसमें भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हमें देखने के लिए मिला था। दूसरी ओर जमींदारी प्रथा का उन्मूलन हो जाने से जमींदारी वर्ग का बड़ा हिस्सा अपने भरण पोषण तक की, जो उनका भरण पोषण था, जो उनका जीविकोपार्जन था, वहां तक की सुविधा पाने से भी वो बेचारे वंचित रहे। उन्हें उनके पेट भरने के लिए खाना तक नहीं मिल पा रहा था तथा उनकी जो सामाजिक और आर्थिक परिस्थिति थी वो काफी निम्न हो गई। ओके, परिवहन के साधनों का विकास होने से बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने स्थान परिवर्तन करना शुरू कर दिया, यद्यपि इनमें से अधिकांश लोगों की आर्थिक तथा सामाजिक परिस्थिति पहले के ही समान बनी रही। ओके, तो ये क्या हो गया आपका सामाजिक गतिशीलता का अर्थ, जो आज हमने डिफाइन किया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल, थैंक यू सो मच, थैंक यू।